Welcome to another session of ACCA F5. The topic which we shall be discussing today is called pricing techniques. Pricing technique chapter closely linked hai ek aur chapter se which is called transfer pricing. Is chapter pricing mein hum ek product ke life cycle ko discuss karenge jo external hai. Humne pichli baar life cycle costing mein product life cycle discuss kiya tha which was internal in nature. Now it's time for us to understand the product's life cycle once the product is launched. जब एक product launch हो जाता है, तो उस समय वो किस life cycle से गुजरता है? एक company अपने product की pricing कैसे set करती है? इस particular chapter में हम वही सारे concept discuss करेंगे. So far हमने एक basic calculation discuss किया था pricing के लिए that cost plus profit is equal to selling price. But अब हम इस particular कॉन्सेप्ट प्राइसिंग सेट करने की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे बहुत सारी डिटेल में. बिफोर वी गेट इनटू हाउ कंपनी डिसाइड्स द प्राइसिंग, वी नीड टू अंडरस्टैंड द लार्जर एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी. जब हम इकोनॉमी को एक लार्जर एस्पेक्ट में समझ जाएंगे, इट विल बी मच इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड द प्राइसिंग स्ट्रेटजी ऑफ अ कंपनी. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट प्राइसिंग स्ट्रेटजी नाउ. Most of us are aware of the concept of elasticity of demand. We know that when prices change, the quantity demanded also changes. Price ka impact padta hai demand ke upar. Kuch products aise hote hain jisme slight changes in price and the quantity demanded varies a lot. Kuch products aise bhi hote hain jisme pricing mein bahut sara movement ho jata hai upward downward. तब भी क्वांटिटी डिमांडेड बहुत कम वैरी होती है. इसी को हम इलास्टिक डिमांड या इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं. सो लेट मी जस्ट ड्रॉ अ ग्राफ एंड लेट मी एक्सप्लेन हाउ इलास्टिसिटी रियली वर्क्स. हम जीरो एक्स एक्सिस के ऊपर लिखते हैं डिमांड, जीरो वाई एक्सिस पे लिखते हैं प्राइस. हम अज्यूम करते हैं कि जब प्राइसिंग पी थी तो क्वांटिटी डिमांडेड वाज क्यू. प्रोडक्ट की प्राइसिंग बढ़कर पी वन हो गई. जैसे ये पी वन होगी, क्वांटिटी फॉल्स टू क्यू वन. अगर आप इस ग्राफ को क्लोजली देखेंगे तो आप देखेंगे प्राइस पी से पी वन हो गया. जैसे ही प्राइस अप जाता है, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, क्वांटिटी की डिमांड नीचे आती है. मोस्टली आपने देखा होगा मार्केट में, जैसे ही कोई चीज महंगी हो जाती है, कस्टमर उसको यूज करना बंद कर देता है या कम कर देता है. तो वी कैन से जैसे ही प्राइसिंग अपवर्ड जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स. अगर हम इसे कर्व से दिखाएं तो कुछ इस तरह से कर्व बने. इफ प्राइसिंग गोज डाउन टू पी टू, क्वांटिटी गोज अप टू क्यू टू. ये ग्राफ है इलास्टिक डिमांड का. इलास्टिक डिमांड सेज दैट एज सून एज द प्राइसेस गोज अप द डिमांड फॉल्स, द प्राइसेस गोज डाउन दैट क्वांटिटी इंक्रीजेस द डिमांड इंक्रीजेस. बट यहां पर प्रोपोर्शनेट चेंज बहुत मैटर करता है. The proportionate change in price is lesser than proportionate change in demand. जब हम elastic goods की बात करते हैं, तो elastic goods वो goods होती हैं जिसमें slight change price का demand को large impact करता है. और inelastic goods में slight movement होता है demand में, even if prices में बहुत variation हो जाए. तो यही दोनों में difference है. प्रैक्टिकली आपको एब्सोल्युटली इन इलास्टिक कोई गुड्स नहीं मिलेंगे. थोड़ा बहुत मूवमेंट तो डिमांड में होता ही है. मे बी प्रोपोर्शनेट डिमांड विल नॉट बी इंपैक्टिंग टू मच. तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस. जैसे ही प्राइस चेंज होता है, डिमांड में कैसे चेंज आता है, इसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं. इस पर्टिकुलर ग्राफ में आप देख सकते हैं ये इलास्टिक गुड्स. मोस्टली योर लग्जरियस गुड्स फॉल्स अंडर इलास्टिक गुड्स. कोई भी टेक्नोलॉजिकल आइटम, वाइट गुड्स लाइक फ्रिज, टीवी, लग्जरियस आइटम, ये सब आइटम लग्जरियस गुड्स, इलास्टिक गुड्स कहलाते हैं.
इनइलास्टिक इसलिए कहा जाता है इनकी प्राइसेस में स्लाइट चेंजेस होते ही डिमांड पे बहुत लार्ज इम्पैक्ट आता है, दैट इज देयर कॉल्ड इलास्टिक गुड्स। अब हम बात करते हैं इन इलास्टिक गुड्स की, एग्जैक्टली सेम ग्राफ फिर से ड्रॉ करते हैं। जब प्राइस पी थी तो क्वांटिटी एक्स थी, प्राइसेस बढ़कर पी वन हो गए लेकिन क्वांटिटी बहुत थोड़े से इम्पैक्ट के साथ डाउन गई। दिस इज इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइसेस आर मच हायर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि इन इलास्टिक गुड्स द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइसेस इज लेसर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड एंड वाइस वर्सा वी कॉल दैट इन इलास्टिक गुड्स। नाउ मोस्टली योर नेसेसिटी गुड्स लाइक योर मिल्क, ब्रेड, डे टू डे आइटम, ग्रोसरी आइटम एक्चुअली कम्स अंडर इन इलास्टिक गुड्स। समर्स में इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत आता है बट कैन वी स्टॉप कंज्यूमिंग द इलेक्ट्रिसिटी? नो वी कांट। तो ये इनइलास्टिक हो गया। आपकी लग्जरियस आइटम वो इलास्टिक में आते हैं, आप उनको पोस्टपोन कर सकते हैं। स्लाइट चेंज इन द प्राइसेस इंपैक्ट्स डिमांड अलॉट। तो अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो सारे लग्जरियस आइटम इलास्टिक होते हैं, नेसेसिटीज फॉल्स अंडर इन इलास्टिक। अब कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू इलास्टिसिटी। फॉर एग्जाम्पल ब्रांड लॉयल्टी, आपने देखा होगा कई बार कुछ कस्टमर बहुत लॉयल होते हैं किसी ब्रांड को लेकर। जो ब्रांड लॉयल्टी है दैट विल मेक द डिमांड इन इलास्टिक, बिकॉज जो लॉयलिस्ट होते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो प्राइस क्या है, उनको कंजप्शन करना है तो करना है। नाउ दैट्स मेक इट द गुड्स इन इलास्टिक। आपकी नेसेसिटीज सब इन इलास्टिक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जाम्पल हो सकता है टी एंड कॉफी, ये आपस में इनवर्स रिलेशनशिप शेयर करती है। जैसे ही टी के प्राइसेस बढ़ते हैं कॉफी की डिमांड बढ़ती है तो सब्स्टिट्यूट गुड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, दे शेयर इनवर्स रिलेशनशिप विद ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक साथ यूज की जाती है, जैसे ब्रेड एंड बटर, पेन एंड रिफिल, द प्रिंटर एंड द कार्ट्रिज। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड आपस में सेम प्रपोर्शन में वेरी करते हैं, अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे के डिमांड विल फॉल। दिस इज व्हाट वी कॉल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो नाउ आई होप वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट वी कॉल इलास्टिसिटी। पहले हम इकोनॉमी के कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, देन हम इन्हें कोरिलेट करेंगे आपस में एंड देन वी विल सी हाउ दीस इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट इंपैक्ट्स अ कंपनीज प्राइसिंग पॉलिसी। So I hope now we have understood कि elasticity क्या होती है, inelastic goods क्या होती हैं। अब हम एक और economy से related concept discuss करते हैं, which is called perfect market and imperfect market। ये सारे concept आपने बहुत पहले school time पे पढ़े होंगे, but it's good to revise it once। पहले हम बात करते हैं perfect market। Perfect market has certain characteristics। पहला, लार्ज बायर एंड लार्ज सप्लायर। परफेक्ट मार्केट में बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं। पॉइंट नंबर टू, द गुड्स आर एब्सोल्युटली होमोजेनियस। गुड्स एक जैसी हैं, उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, होमोजेनियस है। थर्ड, कोई एक्सटर्नल रेगुलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो एंटायरली मार्केट में प्राइसेस सेट होते हैं डिमांड एंड सप्लाई से। वी ऑलरेडी नो जहां पर डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को कट करती हैं, वो ही पॉइंट इक्विलिब्रियम कहलाता है और वही प्राइसिंग सेट हो जाता है। तो परफेक्ट मार्केट में कोई एक्सटर्नल रेगुलेटरी बॉडी डज नॉट डिसाइड द प्राइसिंग, इट इज एक्चुअली बीइंग डिसाइडेड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्स। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक परफेक्ट मार्केट की, बट एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में इट्स वेरी रेयर टू सी द परफेक्ट मार्केट। What you get is called imperfect market. अब हम बात करते हैं imperfections क्या क्या है market की, what makes a market imperfect market? Imperfect market includes monopoly, oligopoly and monopolistic market. Monopoly वो situation है जहां पर एक large supplier exist करता है
and that supplier controls the market in terms of quantity and in terms of pricing. Under monopoly, एक बड़ा supplier होता है, वो prices को decide करता है. आपके पास कोई और option होता ही नहीं है, so that is why the supplier can decide whatever price he wants. The example in Indian context would be Indian Railways. Indian Railways की monopoly है. क्या आपके पास train का कोई और option है? नहीं. That means जो price Indian Railways set कर देगी, आपके पास कोई और option नहीं है but to go ahead with. That's called monopoly. But अगर हम कुछ चीजों को छोड़ दें तो monopoly actually exist नहीं करनी चाहिए. हर country में competitive acts हैं जो prohibit करते हैं, रोकते हैं monopoly, क्योंकि monopoly customer के लिए बहुत harmful हो सकती है. So that is first imperfection called monopoly. Second imperfection is called oligopoly. Oligopoly वो situation है जहाँ पर two और few big supplier controls the market, जहाँ पर कुछ बड़े supplier completely market को drive करते हैं in terms of pricing and quantity. For example, दिल्ली में दो बड़ी discom company हैं जो power supply करती हैं, BSES राजधानी, BSES जम्मू. इसे आप oligopoly कह सकते हैं. दूसरा example, Pepsi and Coke. Worldwide, क्या आपको idea है कि worldwide कितना कोक पर डे बिकता होगा? गिव इट अ गेस. यू बी सरप्राइज टू नो दैट वर्ल्ड वाइड पर डे कोक सेल्स अबाउट 7 to 8 billion सर्विंग्स पर डे. इज़न्ट दैट सच अ बिग नंबर? इतनी सारी सप्लाई होने के बाद, इतनी डिमांड होने के बाद, कभी आपने सोचा है मार्केट में दो ही प्लेयर क्यों है मेजर, कोक एंड पेप्सी? ओलिगोपॉली. Oligopoly is too much an imperfection of the market. यहाँ पर ये सप्लायर इतने पावरफुल होते हैं कि बहुत सारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को मॉडिफाई कर पाते हैं. हाँ, एंट्री एंड एग्जिट बैरियर इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि न्यू एंट्रेंट एंटर ही नहीं कर पाता. परफेक्ट मार्केट के अंदर कोई एंट्री एग्जिट बैरियर नहीं है, सो न्यू एंट्रेंट कैन कम, अ कंपनी कैन गो आउट ऑल्सो, तो मोनोपोली नहीं होगा. लेकिन oligopoly के अंदर एंट्री एग्जिट बैरियर होते हैं. जो सप्लायर आ गया आ गया, अब वो ना तो बाहर जाएगा ना बाहर वाला अंदर आएगा. एंड दैट्स व्हाट वी कॉल ओलिगोपॉली. एंड द थर्ड काइंड ऑफ इम्परफेक्शन इज कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक मार्केट. तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट काफी सिमिलर है परफेक्ट मार्केट के. उसमें ऑलमोस्ट सेम फीचर है जो परफेक्ट मार्केट में होते हैं, बट ऑफकोर्स इट्स अ इम्परफेक्ट मार्केट, तो कुछ इम्परफेक्शन तो होने ही है. पहला इम्परफेक्शन मोनोपोलिस्टिक मार्केट का है, प्रोडक्ट्स आर नॉट एब्सोल्युटली होमोजेनियस. प्रोडक्ट एक जैसे तो है पर आप उसे कंप्लीटली होमोजेनियस एक जैसा नहीं कह सकते, उनके बीच में थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं. यहाँ पर सप्लायर एंड बायर उतने ज्यादा नहीं होते नंबर में, विच इज देयर इन द परफेक्ट मार्केट. द अदर इम्परफेक्शन वुड बी समटाइम्स द रेगुलेटरी बॉडीज लाइक गवर्नमेंट एंड अदर रेगुलेटरी बॉडी माइट इंटरफेयर इन द मार्केट. नाउ दैट्स कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक मार्केट. तो हमने दो कॉन्सेप्ट इकोनॉमी के डिस्कस किए. वन अबाउट इलास्टिसिटी, कि कैसे प्राइस और डिमांड आपस में व्हाट रिलेशनशिप डू दे शेयर. द सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स व्हाट वी डिस्कस्ड वाज अबाउट परफेक्ट मार्केट एंड इम्परफेक्ट मार्केट. अब हमारे लिए इकोनॉमी का एक बेसिक फंडा क्लियर हो गया. इट्स टाइम फॉर अस टू कोरिलेट दिस कॉन्सेप्ट नाउ विद कंपनीज प्राइसिंग स्ट्रेटजी. अब एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं. कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट आइसोलेशन में तो नहीं बेच सकती, इसी इकोनॉमी में बेचेगी. तो सबसे पहले तो उसे ये पता होना चाहिए कि उसका प्रोडक्ट इलास्टिक गुड है या इनइलास्टिक गुड है. अगर वो इनइलास्टिक गुड्स में आता है, प्रोबेबली कंपनी कैन डिसाइड हाई प्राइसिंग, क्योंकि जनरली इसमें नेसेसिटीज या उस टाइप का स्टफ आता है. बट इफ कंपनीज प्रोडक्ट इज लग्जरियस गुड्स, देन दे हैव टू रियली थिंक अबाउट देयर प्राइसिंग. तो यहाँ पर पहली चीज जो कंपनी को पता होनी चाहिए कि उसका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है. सेकंड थिंग व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ कंपनी इज कि मार्केट की सिचुएशन क्या है, क्या ये परफेक्ट है या इम्परफेक्ट मार्केट है. अगर ये इम्परफेक्ट मार्केट है तो क्या इम्परफेक्शन एग्जिस्ट करती है. ये कॉन्सेप्ट्स आपस में कोरिलेटेड है. एक कंपनी अपना प्रोडक्ट सिर्फ अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से सेल नहीं कर सकती,
So I hope we understood that point. अब जब हमने समझ लिया है कि इकोनॉमी और कंपनी इनकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी आपस में कोरिलेटेड है, तो अब इट्स टाइम फॉर अस टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड समथिंग कॉल्ड प्राइस इक्वेशन. अब प्राइस इक्वेशन को डिस्कस करते हैं. आई एम श्योर बाय नाउ वी हैव गॉट अ ब्रॉडर आइडिया अबाउट इकोनॉमिक्स एंड नाउ वी कैन डेफिनेटली स्टार्ट विद द बेसिक इक्वेशन ऑफ प्राइस. जब एक कंपनी कंपेटिटिव मार्केट में ऑपरेट करती है तो वहां प्रॉफिट मार्जिन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है बिकॉज प्रोडक्ट्स आर ऑलमोस्ट सेम. अगर आप हाई प्राइसिंग सेट करेंगे तो कस्टमर विल गो समवेयर एल्स. सो इट्स बेटर दैट अ कंपनी शुड नो दैट इफ इट इज इन परफेक्ट मार्केट दे कैन नॉट रिकवर एवरी टाइप ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द कस्टमर. उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जिसको मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू MR एंड MC. व्हाट इज MR? Marginal revenue is a revenue to produce and sell one more additional unit. एक additional unit को sell करने का revenue marginal revenue कहलाता है. And what is marginal cost? Additional cost. एक और unit बनाने की cost क्या कहलाती है? Marginal cost. Marginal cost को हम variable cost भी कह सकते हैं. For example, जब आप एक pen बनाते हैं तो उसकी pricing आती है 10 rupees. जब आप दो पेन बनाते हैं तो उसकी प्राइस आती है 20 rupees. यानी एक एडिशनल पेन को बनाने की कॉस्ट 10 rupees है. हमें वेरिएबल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते टाइम हमें पता है कि अ कॉस्ट विद चेंजेस विद प्रोडक्शन इज अ वेरिएबल कॉस्ट. तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट आर वन ऑफ द सेम थिंग, एक ही चीज है. अब हम बात करते हैं कंपेटिटिव मार्केट. कंपेटिटिव मार्केट में अगर हमारा MR और MC बराबर हो तब भी वी कैन सेल इट. एक सप्लायर को अगर उसकी वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर हो रही है तो वो अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहेगा क्योंकि उससे ज्यादा का स्कोप नहीं. एक तरीका हो सकता है प्राइसिंग का कि कंपनी अपनी टोटल कॉस्ट ले, उसमें प्रॉफिट ऐड करे और प्रोडक्ट सेल करे, जो नॉर्मली हम कहते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइसिंग. लेकिन कंपेटिटिव मार्केट में पॉसिबल नहीं. तो इवन इफ यू गेट MR इज इक्वल टू MC वी आर गुड. तो हम कह सकते हैं कि एक कंपेटिटिव मार्केट में हमारा मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या रखी जाए. अगर आपको अपना मार्जिनल रेवेन्यू भी रिकवर हो जाता है तब भी यू आर गुड. तो आई कैन ऑल्सो से P is equal to MR is equal to MC. MR और MC equal है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. अगर P MR के equal है तो P MC के भी equal है. तो ये एक concept है. अभी हम इसे यहीं park करते हैं और एक pricing equation की बात करते हैं. आपको दो equations समझनी है और याद रखनी है, सिर्फ दो equation, उसके अलावा कुछ भी नहीं. पहली equation P is equal to A minus BX. P stands for pricing. A and B दोनों constants हैं. Constant का मतलब होता है कि जब आपने इसकी एक बार value निकाल ली तो अब ये change नहीं होगी. B slope of the curve भी है. Slope of the curve का मतलब होता है elasticity. जो हमने बात की थी जब प्राइस चेंज होता है तो डिमांड पे क्या इंपैक्ट आता है उसे हम स्लोप ऑफ द कर्व कहते हैं. एंड एक्स जो है वो है डिमांड या फिर क्वांटिटी. तो आप क्वांटिटी या डिमांड दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं. तो हमारी पहली इक्वेशन होगी पी इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स. पी स्टैंड फॉर प्राइसिंग. ए एंड बी बोथ आर कॉन्स्टेंट, इनकी वैल्यू एक बार डिसाइड हो जाएगी तो वही रहेगी. बी स्लोप ऑफ द कर्व भी है यानी कि जब प्राइसेस में इंपैक्ट चेंजेस आते हैं तो डिमांड में क्या चेंजेस आते हैं. और एक्स है क्वांटिटी या डिमांड. पहली इक्वेशन जो आपको याद रखनी है. दूसरी इक्वेशन है पी इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू MC जो हम यहां डिस्कस करे थे इज इक्वल टू ए माइनस टू बी एक्स. पहली और सेकेंड इक्वेशन में सिर्फ इतना फर्क है कि ये पी इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स है और ये पी इज इक्वल टू ए माइनस टू बी एक्स. अगर वो पी इज इक्वल टू ए माइनस टू बी एक्स है तो वो MR और MC के भी इक्वल है
क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं टी एम आर एंड एम सी ऑल आर इक्वल. तो ये दो इक्वेशन हमने समझी, टी इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स, टी इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू ए माइनस टू बी. आपको सिर्फ दो इक्वेशन याद करना. अब इन दो इक्वेशन को यूज करके हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की एंड लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डज इट वर्क आउट. हमारी इक्वेशन है p इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स. मैं फिक्टिशियस क्वेश्चन लेती हूँ. एक कंपनी करंटली 100,000 यूनिट्स बनाती है, ये करंट सिचुएशन है. 1 lakh यूनिट्स कंपनी प्रोड्यूस करती है. वी डोंट नो हाउ मच इज द प्राइस फॉर इट. कंपनी कहती है कि 1 lakh यूनिट के लिए जब $1 चेंज होता है तो 40 यूनिट से डिमांड इंपैक्ट होती है. अ $1 चेंज इन द प्राइस इंपैक्ट्स द डिमांड बाय 40 यूनिट्स. कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट $20 है. अब कंपनी 75,000 यूनिट्स बनाना चाहती है. आपसे न्यू प्राइसिंग पूछा है. या एक बार के लिए हम इसे भी डाल देते हैं और वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जब हमें न्यू क्वांटिटी और न्यू प्राइसिंग दोनों ही निकालनी है. लेट्स मेक इट लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड. तो कंपनी आपसे कहती है कि न्यू डिमांड कितनी होगी और न्यू प्राइसिंग कितनी होगी. अब बहुत सारे मिसिंग फिगर इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें. हम फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं p इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स. देखते हैं हमारे पास क्या क्या है. p नहीं है, a भी नहीं है, b कितना है. b मीन्स स्लोप ऑफ द कर्व. तो अगर $1 चेंज होने पर 40 यूनिट्स इंपैक्ट होती है, इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो अपवर्ड जाएंगी कि डाउनवर्ड जाएंगी. यानी कि डिमांड बढ़ रही है पर 40 यूनिट्स से कम हो रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं. तो b हो गया 1/40. तो हमने यहां b की जगह लिखा 1/40. x हमारे पास एग्जिस्टिंग सिचुएशन में 1 lakh. अभी हम एग्जिस्टिंग इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये जानने के लिए कि हमारे पास क्या अवेलेबल है क्या नहीं, क्योंकि हमें एक्चुअली में क्या निकालना है, ए निकालना. जब तक ए नहीं निकलेगा पी नहीं निकाल पाएंगे. तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, हमारी इक्वेशन बनेगी पी इज इक्वल टू ए माइनस 0.025 इंटू 1 lakh. दैट मीन्स पी इज इक्वल टू ए माइनस 2500. तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 2500. बट हमें p भी नहीं पता. अगर ये p 0 होता तो we would have said that a is equal to 2500. But in this case, a cannot be done. अब हमारी इस इक्वेशन में दो मिसिंग फिगर है. हमारे पास p भी नहीं है, हमारे पास a भी नहीं. What we should know कि आप दो मिसिंग फिगर एक इक्वेशन में नहीं निकाल सकते. That means we need help. तो इस इक्वेशन को भी यही पार करते हैं. हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या थी, एम आर इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू ए माइनस टू बी एक्स. फिर से इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. एम सी इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई है $20. तो आप लिख सकते हैं 20 इज इक्वल टू ए माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2500. 2500 कहां से आए, सेम b और x को मल्टीप्लाई कर. आई रिपीट, हमने ये जो इक्वेशन सॉल्व की थी सेम इक्वेशन से हमने 2500 निकाल लिया था स्लोप ऑफ कर्व b को 1 lakh से मल्टीप्लाई करके. तो वही 2500 हमने यहाँ पुट कर दिया. फॉर्मूला में 2bx से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये इज इक्वल टू 20. आई एम श्योर अब आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो 20 इज इक्वल टू a माइनस 5000. जब a 5000 इस साइड जाएगा तो ऐड हो जाएगा. तो 5020 इज इक्वल टू a
So A की वैल्यू आ गई 5020. आपको पता है कि A और B कांस्टेंट है, यानी कि अब जब आप फ्यूचर डिमांड और फ्यूचर सप्लाई निकालेंगे तो आपके पास A ऑलरेडी आ चुका है, B ऑलरेडी आ चुका है और वो वही रहेगा. तो अब हम निकालते हैं फ्यूचर. अभी तक आपने प्रेजेंट सिचुएशन निकाली थी जहां 1 लाख यूनिट्स बनता है, अब मैं फ्यूचर सिचुएशन निकालूंगी. हमारी इक्वेशन है P is equal to A minus BX, ओरिजिनल इक्वेशन. P हमें नहीं पता, A हमने 5020 निकाला है, B की वैल्यू 0.025 थी और X हमें नहीं पता. लेकिन अभी से यहाँ कॉम्प्लिकेट नहीं करके मैंने X की वैल्यू लिख दी 75,000, सो दैट आप प्राइसिंग इक्वेशन क्लियरली समझ पाए. तो हमने यहाँ लिख दिया 75,000 यूनिट्स जो हम फ्यूचर में बनाएंगे. एंड आई एम श्योर हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं P की वैल्यू. तो दिस इज हाउ वी एक्चुअली कैलकुलेट द P. लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P हियर. जब हम आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3145. Now you got the value of P. अगर आपसे पूछा जाता है फ्यूचर में क्या प्राइसिंग सेट की जाए तो प्राइसिंग शुड बी 3145. इस टाइप के क्वेश्चन में कई बार डिमांड भी नहीं दी होगी लेकिन उस समय आपको कोई और इनपुट दिया होगा. तो आपने देखा किस तरह से हमने दो इक्वेशन को साथ सॉल्व किया. एक बार फिर से इसको ब्रॉडली एक बार डिस्कस कर लेते हैं. एक क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग 1 लाख यूनिट्स दे रखी है, पी नहीं पता. वो कहते हैं $1 चेंज होने पर क्वांटिटी पे 40 यूनिट से इंपैक्ट आता है. तो स्लोप ऑफ कर्व बन गया 1/40. वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है $20 की, डिमांड 75,000 यूनिट्स है, फ्यूचर डिमांड. पर फ्यूचर प्राइसिंग नहीं पता तो आपको फ्यूचर की प्राइसिंग सेट करना. पहले हमने इक्वेशन ली P is equal to A minus BX. जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास दो मिसिंग फिगर्स आ गई जो हम साथ सॉल्व नहीं कर सकते. तो हमने सेकेंड इक्वेशन की हेल्प ली विच वॉज P is equal to A minus 2BX और MR is equal to MC is equal to A minus 2BX. जब आपने ये इक्वेशन सॉल्व की तो आपके पास A की वैल्यू आ गई 5020. इस वैल्यू को आपने ओरिजिनल इक्वेशन P is equal to A minus BX में पुट कर दिया. इस बार X फ्यूचर यूनिट्स थी विच इज 75,000. जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो P का आंसर आ जाएगा 3145. Now I'm sure we have understood how to use this equation P is equal to A minus BX and we also understood कि जब जब क्वेश्चन आपसे कहता है कि ऑप्टिमाइज्ड प्राइसिंग निकालनी है हमें ये इक्वेशन यूज करना. तो ये एक तरीका था प्राइसिंग सेट करने का. अब हम कुछ और मेथड्स यूज करते हैं जो प्राइसिंग के लिए कंपनी यूज कर सकती है. सेकेंड मेथड इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. टोटल कॉस्ट प्राइसिंग का मतलब होता है कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जो मार्कअप या मार्जिन के फॉर्म में हो सकता है. अगर हम टोटल कॉस्ट प्लस की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम मार्कअप की बात कर रहे हैं बिकॉज मार्कअप इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट. इसे हम टोटल कॉस्ट प्लस कहते हैं. तो कंपनी अपनी सारी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को यूज करती है, उसके ऊपर मार्कअप ऐड करती है. कुछ भी कोई भी परसेंटेज हो सकता है जो कंपनी को सेट करना होता है एंड देन दे डिसाइड द प्राइसिंग. सपोज कंपनी की टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है $50,000, वेरिएबल कॉस्ट है $20,000. कंपनी इसके ऊपर $10,000 का प्रॉफिट अर्न करना चाहती है. तो टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हो गया $80,000. अगर वो पूछे कि पर यूनिट प्राइसिंग कितनी होगी, लेट्स से अगर 1000 यूनिट्स कंपनी प्रोड्यूस करना चाहती है तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट विल बी $80. दिस इज हाउ कंपनी डिसाइड टोटल कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. तीसरा मेथड जो हो सकता है वो हो सकता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस का मतलब होता है प्रॉफिट जो कंपनी अपना मार्कअप ऐड करना चाहती है. तो वेरिएबल कॉस्ट को हम मार्जिनल कॉस्ट भी कह सकते हैं, MC, जैसे कि हमने डिस्कस किया. ये उन सिचुएशंस में होती है जब कंपनी कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स में डील करती है
जहाँ कंपनी टोटल कॉस्ट रिकवर करने की पोजीशन में नहीं होगी, तो कंपनी ने जो अपनी खुद की मार्जिनल कॉस्ट स्पेंड की है उसी में वो प्रॉफिट ऐड कर देते हैं और उसी के ऊपर प्रोडक्ट बेचते हैं, बिकॉज इन शॉर्ट रन दे मे नॉट बी एबल टू रिकवर द फिक्स्ड कॉस्ट, सो दे बेसिकली ट्राई टू रिकवर द वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट एंड देन लेटर ऑन वो ग्रेजुअली धीरे धीरे अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को भी चार्ज कर देते हैं. थर्ड फोर्थ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कुड बी द वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? जो हम रेलेवेंट कॉस्ट में ऑलरेडी समझ चुके हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच इज एनी ऑप्शन विच यू हैव फॉरगॉन, जो छोड़ दिया है आपने, उसकी कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक जॉब ज्वाइन कर ली और आपके पास एक और कंपनी का ऑफर लेटर आता है, तो आप वो नई कंपनी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे बिकॉज यू ऑलरेडी ज्वाइन अ जॉब. नाउ दैट्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अगर मैं घर में रहती हूँ और उसे रेंट पे नहीं दे सकती बिकॉज आई स्टे देयर, तो रेंट जो मुझे मिल सकती थी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. तो उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आप एड अप कर देंगे. ये तब करती हैं कंपनीज जब वो कहती हैं कि ओके फाइन, हमें फिक्स कॉस्ट अभी रिकवर नहीं करनी, मुझे इस मार्केट को बनाने में जितना वेरिएबल कॉस्ट लगा है प्लस हमारा टाइम या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो लगी, एटलीस्ट वो तो रिकवर करेंगे. और दैट्स व्हाट वी कॉल वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो दिस इज हाउ वी कैन डिसाइड द प्राइसिंग. एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा. हमने सबसे पहली प्राइसिंग इक्वेशन पढ़ी जिसे हम एल्जेब्रिक मेथड भी कहते हैं. सेकेंड मेथड हमने पढ़ा टोटल कॉस्ट प्लस. थर्ड हमने पढ़ा मार्जिनल कॉस्ट प्लस. फोर्थ हमने पढ़ा मार्जिनल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इस तरह से हमने कुछ प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज पढ़ी. अब कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट विच वी हैव टू डिस्कस रिलेटेड टू प्राइसिंग. जिस तरह से एक कंपनी का प्रोडक्ट इनसाइड लाइफ साइकिल होता है, उसी तरह प्रोडक्ट का एक आउटसाइड लाइफ साइकिल भी होता है. जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो सबसे पहली स्टेज आती है इंट्रोडक्टरी स्टेज. इंट्रोडक्टरी स्टेज वो स्टेज है जब प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है. अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट शुड बी द प्राइसिंग एट दैट टाइम. यहाँ कंपनी दो टाइप की प्राइसिंग यूज कर सकती है. लेट्स टॉक अबाउट दोस टू प्राइसिंग स्ट्रेटजी. पेनिट्रेशन प्राइसिंग एंड स्किमिंग. पेनिट्रेशन प्राइसिंग वो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है जहां कंपनी लो प्राइसेस सेट करती है इन द बिगनिंग एंड ग्रेजुअली दे इंक्रीज द प्राइसिंग. इसे पेनिट्रेशन इसलिए कहते हैं बिकॉज दे वांट टू पेनिट्रेट इन द मार्केट. लो प्राइसिंग हेल्प करते हैं मार्केट के अंदर एंटर करने के लिए. वंस दे हैव कैप्चर्ड द मार्केट दे माइट इंक्रीज द प्राइसिंग. दैट इज व्हाट वी कॉल पेनिट्रेशन प्राइसिंग. मोस्टली ग्रोसरी प्रोडक्ट्स इसी कैटेगरी में आते हैं. I'm sure आपने देखा होगा कई बार एक प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट फ्री मिलता है या फ्री पाउचेस मिलते हैं. एक सोप लो तो उसके साथ एक हैंड वॉश फ्री मिलता है एंड सो ऑन. वो पेनिट्रेशन प्राइसिंग है. कंपनी या तो आपको बहुत लो कॉस्ट पे वो प्रोडक्ट दे रही है या फ्री में दे रही है बिकॉज दे वॉन्ट यू टू यूज इट. जब आप उसे यूज करेंगे, आपको वो पसंद आएगा, तो आप उसे खरीदेंगे. नाउ ये इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग हो सकती है ताकि प्रोडक्ट को प्रॉपरली लॉन्च किया जा सके. This pricing strategy is called penetration pricing. The next pricing strategy could be skimming. Skimming pricing strategy वो pricing strategy है जब initially high prices set किए जाते हैं और gradually prices goes down. Most of your technological product falls under this category. जैसे कि phones, TV, computers, generally they fall under the same category called skimming. जिस customer को बहुत नीड होती है या जो बिल्कुल टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते हैं, वो इनिशियली हाई प्राइसेस पे ही खरीद लेते हैं और बाद में बचा कुचा मार्केट बचता है, इसीलिए स्किमिंग कहते हैं. तो कंपनी स्किम द क्रीम फ्रॉम द मार्केट इन द बिगनिंग, उसके बाद मार्केट को छोड़ देती है या फिर प्राइसिंग लो कर देती है. उन्होंने जो प्रॉफिट कमाना था वो कमा लिया, अब लेट द अदर कंपेटिटर कम, डजंट मैटर. तो यहाँ पर पेनिट्रेशन प्राइसिंग, स्किमिंग प्राइसिंग यूज की जा सकती है. We call that introductory pricing. Depend करता है कंपनी की स्ट्रैटेजी के ऊपर और कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर कि वो कौन सी फॉलो करना चाहती है. नेक्स्ट स्टेज आती है ग्रोथ स्टेज. इंट्रोडक्शन के बाद
जब कस्टमर प्रोडक्ट यूज करने लग जाते हैं, दे स्टार्टेड लाइकिंग इट, तो कंपनी का वॉल्यूम बढ़ता है. वॉल्यूम बढ़ने के साथ उनकी एवरेज कॉस्ट फॉल्स. जब एवरेज कॉस्ट कम होगी और वॉल्यूम ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी विल गो अप. तो ये ग्रोथ स्टेज है जहां कंपनी को नए कस्टमर मिलते हैं और प्रॉफिट ऊपर जाता है. दिस इज सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल. थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल इज कॉल्ड मैच्योरिटी. मैच्योरिटी वो स्टेज है जहां कस्टमर नए कस्टमर नहीं मिलते. जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो अभी भी है, बट कस्टमर द कंपनी डजंट गेट द न्यू कस्टमर्स. तो यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे स्टेग्नेंट होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब ये अप नहीं जा रहा, ये एक जगह पर स्टेबल होने लगा है. एंड दैट्स कॉल्ड मैच्योरिटी लेवल. एंड फाइनली फॉल्स डेक्लाइनिंग. जैसे कि नाम से पता चलता है, यहाँ पर कंपनी के एग्जिस्टिंग कस्टमर भी बाहर जाने लग जाते हैं, प्रॉफिट्स लॉसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं. जनरली जब आप मॉल्स वगैरह में जाते हैं, यू सी एंड ऑफ द ईयर से बाय वन गेट टू फ्री एंड सो ऑन, ये सब डेक्लाइनिंग स्टेज है. ऐसे भी कंपनी के प्रॉफिट जीरो थे, कंपनी का प्रोडक्ट बिक नहीं रहा था, तो वो आपको सेल फॉर्म में बेचते थे. एंड मोस्ट ऑफ द अस एज अ कस्टमर एंड अप बाइंग इट. और दैट्स अ डेक्लाइनिंग स्टेज ऑफ अ कंपनी. अब कंपनी यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिसाइड कर सकती है एज पर देयर ओन चॉइस एंड स्ट्रेटेजी. हमने पहले भी बात की थी कि आइडियली कंपनी को अपना लाइफ साइकिल बढ़ाने के लिए डेक्लाइनिंग स्टेज से फिर से ग्रोथ स्टेज पे या इंट्रोडक्टिव स्टेज पे जाने की कोशिश करनी चाहिए. हाउ डू यू थिंक दे कैन डू इट? दे कैन डू इट थ्रू इनोवेशन, लॉन्चिंग इन द न्यू मार्केट एंड सो ऑन. सो दिस कुड बी सम ऑफ द वे टू इंक्रीज द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट. तो हमने कुछ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस की, जैसे पेनिट्रेशन प्राइसिंग, स्किमिंग प्राइसिंग. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की, दैट इज वन, टू, थर्ड इज प्रोडक्ट बंडलिंग. प्रोडक्ट बंडलिंग का मतलब होता है एक जैसे प्रोडक्ट को बंडल कर देना एक साथ, जैसे कि कॉम्बो मील, थाली सिस्टम. आप एंटोमेंस पे जाते हैं, एक कॉम्बो खरीदते हैं, उसमें आपको मल्टीपल चीजें मिलती हैं, ये प्रोडक्ट बंडलिंग है. आपने कभी सोचा है कि कंपनी को इससे क्या फायदा? कॉम्बो में नॉर्मली प्राइजेस कम होते हैं, बहुत सारी चीजें दी जाती हैं, थाली में भी ऐसा ही होता है. पर कंपनी थिंक्स अबाउट इट. इसके दो बेनिफिट्स हैं. वन, दे द स्लो मूविंग प्रोडक्ट इज बीइंग चैनलाइज्ड. कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो वो सेल नहीं कर पाती, स्लो मूविंग होते हैं. वो आपके इन कॉम्बोस में, थालीज में और सिमिलर कॉम्बोस फॉर एनीथिंग उसके अंदर भेज देते हैं. तो स्लो मूविंग प्रोडक्ट भी चैनलाइज हो गया. सेकेंडली, मोस्ट ऑफ द पीपल बाइज दोस कॉम्बोस एंड द बंडल्ड प्रोडक्ट. उससे कंपनी क्वांटिटी इंक्रीज होती है और एंड ऑफ द डे दे मेक मोर प्रॉफिट्स. दैट्स कॉल्ड प्रोडक्ट बंडलिंग. जब प्रोडक्ट को एक साथ बंडल करके बेच दिया जाता है, जैसे कि मोबाइल फोन एंड चार्जर, थाली सिस्टम, मैकडॉनल्ड का कॉम्बो, ये सब प्रोडक्ट बन गए. नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, रेगुलराइज्ड प्राइसिंग. जैसे कि नाम से पता चलता है, इस प्राइसिंग को रेगुलराइज्ड किया गया है. जैसे गवर्नमेंट करती है फार्मर्स के लिए या फिर शुगर इंडस्ट्री के लिए, तो ऐसी कोई भी प्राइसिंग जो डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमाइन नहीं होती, बल्कि एक्सटर्नल रेगुलेटरी बॉडी डिसाइड करती है, उसे हम रेगुलराइज्ड प्राइसिंग. नेक्स्ट, लॉस लीडर प्राइसिंग. लॉस लीडर का मतलब होता है कि कंपनी मेन प्रोडक्ट के ऊपर लॉस खाती है, बट एक्सेसरीज में प्रॉफिट बना लेती है. फॉर एग्जाम्पल, एचपी का प्रिंटर कम्स फॉर अबाउट 3000 रुपीज और समथिंग, प्रिंटर कम्स स्कैनर, उसकी कार्ट्रेज 2000 रुपीज की आती है. पर जिसने प्रोडक्ट ले लिया वो कार्ट्रिज खरीदेगा ही खरीदेगा. दैट्स कॉल्ड लॉस लीडर प्राइसिंग. एयरक्राफ्ट इज चीपर देन द स्पेयर पार्ट ऑफ एयरक्राफ्ट, लॉस लीडर प्राइसिंग. तो कंपनी कैन डिसाइड वेरियस प्राइसेस व्हाट वी हैव डिस्कस्ड हियर आउट ऑफ दिस. एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर कॉल्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजी. सो अगर हम एक क्विक रिविजन करें कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, तो वी टॉक्ड अबाउट द इकोनॉमी साइड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Then we talked about perfect and imperfect market. Then we talked about algebraic equation, which is P is equal to A minus BX, and we correlated that with MR is equal to MC is equal to A minus 2BX also.
फिर हमने डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड की, जैसे कि मार्जिनल कॉस्ट प्लस, मार्जिनल प्लस प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट प्लस एंड सो ऑन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी सच एज पेनिट्रेशन, स्किमिंग, प्रोडक्ट बॉटलिंग, रेगुलराइज प्राइसिंग एंड लॉसलेटर प्राइसिंग. तो नक्शा में आपका ये चैप्टर कवर हो गया जिसको कहते हैं प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. Now, F5 exam के लिए what is more important from this chapter कि आपको algebraic equation और in fact हर तरह का equations जो आपकी book में mentioned है उनको बहुत अच्छे से practice करना है. आपको pricing निकालना आना चाहिए. बहुत high probability कि examination में question आएगा ही आएगा, या तो MCQ में या फिर otherwise. तो it's better that you practice it really well. And one more reason for us to practice it well is this chapter is linked to another chapter called transfer pricing. वहां पर भी आप यही इक्वेशन यूज करेंगे जो अभी आपने एलजेब्रिक इक्वेशन यूज किए, और तब हम अज्यूम करेंगे कि आपको ऑलरेडी आता है. और एग्जामिनेशन में भी कई बार ये दो क्वेश्चंस साथ में क्लब होकर आ जाते हैं. सो इट्स एन इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जामिनेशन. एंड इन कॉन्टिन्यूटी ऑफ द सेम थिंग वी विल बी ट्राइंग टू डिस्कस अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड ट्रांसफर प्राइसिंग. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. लेट्स मीट अप वंस अगेन विद द न्यू टॉपिक. टिल देन स्टे ट्यून्ड.